जैन फ्रेंड जॉब सर्च चले में आपका स्वागत है। आर्मी हेडक्वार्टर मध्य यूपी सब एरिया लखनऊ की बड़ी भर्ती आपके आ चुकी है। कैंटीन डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज रहेंगी जिसमें 13 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो जो भी कैंडिडेट हैं इसके लिए एग्लेबल हैं ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, हेडक्वार्टर मध्य यूपी सब एरिया लखनऊ की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। यूनिट रन कैंटीन की तरफ से ये वैकेंसी जारी रहेंगी। कैंटीन की तरफ से आजकल यही इसी प्रकार से आपकी वैकेंसी जाने लगी। पहले परमानेंट वैकेंसी जाती थी, अभी आपकी आउटसोर्सेज या कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज रहती है। जो भी कैंडिडेट एग्लेबल हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक्सपीरियंस आगे बहुत काम आएगा आपके, बहुत सारी वैकेंसीज आज एक्सपीरियंस पर ही आगे सरकारी वैकेंसी जो हैं वो निकलती है, तो आपके लिए ये जॉब महत्वपूर्ण रह सकती है। यदि आप 1 साल इस जॉब को करके आगे किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। तो आप इसी भी जैसे ये वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी अच्छा खासा रहेगा, पीएफ वगैरह अदर आपकी फैसिलिटीज भी इसमें दी जाती हैं, जो भी 1 साल का जो पीरियड रहता है उसमें भी। और दूसरी बात यह है कि अगले साल होने वाली भर्ती में भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हैं। पहली जो सभी वैकेंसीज हैं, यूआरसी मैनेजर की रिटायर्ड आर्मी अफसर होना चाहिए, एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की जो रिटायर्ड एसएम या हॉनरी कैप्टन से रिटायर होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो मैनेजर नेक्स्ट 3 पोस्ट हैं जिसकी जेसीओ होना चाहिए, अकाउंटेड में भी जेसीओ होना चाहिए, एएफडी क्लर्क में भी आपका जेसीओ होना चाहिए, प्रॉपर्टी एमसीओ एमईएस चार्ज का जो प्रॉपर्टी एनसीओ है उसके लिए भी आपका रिटायर्ड जेसीओ आर होना चाहिए। मतलब ये ईएसएम के लिए वैकेंसीज हैं। आईटी क्लर्क के लिए भी आपकी ईएसएम की ही पोस्ट आपकी रहने वाली है, अक्सर इसमें जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए रहेंगी। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है, जो सभी कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल रहेंगे, आल जो भी आपके सिविलियन कैंडिडेट हैं चाहे आपके ईएसएम कैंडिडेट हैं, सभी अवेलेबल रहने वाले हैं। ऑफिस क्लर्क की 3 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट रखा गया है और प्रोफेंसी आपकी कंप्यूटर रखी गई है। यदि कंप्यूटर वगैरह का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। ये सभी वैकेंसीज़ के लिए आपका खुद का सेल्फ रिज्यूम बनाकर उसमें लगाना होगा। रिज्यूम में आपकी खुद की फ़ोटो, पूरा एड्रेस और कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि रिज्यूम का जानकारी आपको नहीं है तो यूट्यूब पर और गूगल पे आप सर्च करके रिज्यूम चेक कर लीजिए, और उसके बाद में कंप्यूटर पर जो भी कंप्यूटर की शॉप है उस पर टाइप करवा कर आप उस पर सेंड कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करिए। इसका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद का रिज्यूम बनाकर आपको सेंड करना है। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा पोस्ट है एमटीएस के लिए, 45 पोस्ट आपकी एमटीएस के लिए रहने वाली है, जिसमें 12वीं पास और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। 45 पोस्ट आपकी एमटीएस की रखी गई है, 45 पोस्ट पे आपका यहाँ पे एमटीएस की पद रखे गए हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, पास के हैं, दूर के हैं, कैसे भी हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। जिसके बाद में आप देख सकते हैं बिलिंग आईसी के जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो चेक है, एक पोस्ट आपकी रखी गई है जिसमें 12वीं स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका रखा गया है, जो कि प्रोफेंसी आपको आर्मी वाले को दी जाएगी। लेकिन ये जो पोस्ट हैं, ये दोनों पोस्ट आपके लिए सिविलियन के लिए बहुत ही शानदार पोस्ट हैं। 45 और 3 पोस्ट आपके लिए सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं फिजिकली रूप से बिल्कुल फिट आप कैंडिडेट होने चाहिए। दूसरी एज है आपकी 68 एज आपकी रखी गई है, 1 मई तक 68 तक आपकी एज है, तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी है वो आपकी जो भी आपके कैंटीन डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको मिलने वाली है। इसके बाद में एक्सरिसमैन है, वो अपने जो भी डिपेंडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपको प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी भी प्रकार की अदर कोई जिस्टल केस वगैरह ये सब वगैरह पे है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो इसके लिए पूरा अवेलेबल नहीं होगा। पुलिस वेरीफिकेशन मैंडेटरी आपका दिया गया है कि पुलिस वेरीफिकेशन आपका ज़रूर होगा चाहिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हैं उसमें पुलिस वेरीफिकेशन लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाते हैं तो आपको स्क्रीनिंग के टाइम में पुलिस वेरीफिकेशन चाहिए होगा। जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपको 13 मई तक आप इस फेयर सेंड करने होंगे, या बाय हैंड जाकर आप देख के आ सकते हैं। ऑफिस यूआरसी के नाम पे आपको देना होगा, जो कि आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे 10 तारीख 20 से 21 तारीख को आपका इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट जैसे 10 तारीख तक आप देंगे और 21 से 20 और 21 को आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला लिया जाएगा मैसेज के द्वारा किसी भी प्रकार द्वारा। ये आपका एड्रेस दे सका दिया हुआ है, यूआरसी ऑफिस हेडक्वार्टर
मध्य यूपी सबेरिया लखनऊ कैंट में आपको दिया हुआ है। इस एड्रेस पे जाकर आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर इतने साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी मुझे मिलेगी, यदि साफ दिखाई कहीं दूसरे न्यूज़पेपर में दिखाई देंगे, तो आपको जल्द ही आपके टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आपको बताई गई है। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।